मानव सभ्यता का उदय और प्रारंभिक आश्रय प्रकृति यानी वन और वृक्ष ही रहे हैं। जीवन की छोटी बड़ी आवश्यकता को पूर्ण करने के साथ साथ अपने विविध गुणों से वातावरण को स्वच्छ और हमारे शरीर को स्वस्थ रखकर वृक्षों वनस्पतियों ने संपूर्ण मानव जाति पर उपकार किया है। इन्हीं में प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानी जाने वाली है विष्णु प्रिया तुलसी, लक्ष्मी का लौकिक स्वरूप, देवतुल्य पावन वनस्पति। तुलसी धरती की ऐसी अमृत जड़ी है जो न केवल पाप दूर करने वाली है बल्कि रोगनाशक और सौंदर्य वर्धक औषधि भी है। इसकी जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में वेद स्थित हैं। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पा सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। तुलसी के आठ नामों से युक्त अष्टक में इसे वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पा सारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी कहा गया है। इसी वृंदा के नाम पर कृष्ण की लीला भूमि का नाम वृंदावन पड़ा। इसकी महत्ता पद्म पुराण की एक कथा में बताई गई है। एक बार श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने उन्हें तोलने का निश्चय किया। कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बिठाया गया और दूसरे पर अपने मूल्यवान गहने और संपत्तियां रखने लगी, पर कांटा अपनी जगह से हिला भी नहीं। आखिर कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मणी ने गहने वाले पलड़े पर तुलसी की एक पत्ती रख दी और दोनों पलड़े बराबर हो गए। कहा गया है, जिस घर तुलसी करे निवास उस घर सदा विष्णु को वास। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने का भी कारण है कि उसकी पत्तियों को छूकर बहने वाली हवा घर में कीटाणुरोधी और रोगनाशक गुणों का प्रसार करे, तुलसी दल युक्त जल में संक्रमण से बचाव के गुण होते हैं। इसीलिए मंदिरों में तुलसी जल प्रसाद के साथ दिया जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन मनाया जाने वाला तुलसी विवाह देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है और इसी के साथ चातुर्मास के बाद हिंदुओं के विवाह प्रारंभ होते हैं। विष्णु वल्लभा तुलसी को लगाने, पालने, सींचने, दर्शन करने और स्पर्श करने मात्र से भी मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व दोष निवारक, सर्व सुलभ और सर्वोपयोगी मांगलिक तुलसी धार्मिक अनुष्ठानों में आवश्यक रूप से प्रयोग में ली जाने वाली कल्याण प्रदात्री औषधि है। अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति और शरीर की अनेक व्याधियों का सहज उपचार करने वाली पावन तुलसी हमारी संस्कृति और जीवन में रची बसी है। इसीलिए प्रत्येक पारंपरिक घर के आंगन में तुलसी वृंदावन या तुलसी चौरा होना
आवश्यक माना गया है, जिस पर सुबह शाम दीप जलाकर हरे प्रिया तुलसी के देवी स्वरूपा वरदान को नमन किया जाता है। जगत धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यंतकारिणः। आइए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पर्यावरण के लिए और रोग व्याधियों से मुक्ति के लिए हम भी वैष्णवी तुलसी के पौधे का सिंचन करें।